संगीत प्रवाह वर्ल्ड के फ्लूट लेसन्स में आपका स्वागत है। यह है 15वां एपिसोड, एपिसोड 15। अब तक आप फ्लूट लेसन्स में सीखते आए हैं प्रारंभिक 7 अलंकार अलग अलग थाटों में। उसी कड़ी में आज चलते हैं पूर्वी थाट में। पूर्वी थाट बेसिकली जिसमें रे और ध कोमल स्वर का प्रयोग होता है और म तीव्र स्वर का प्रयोग करते हैं मध्यम को, तो उसी कड़ी में आज हम पूर्वी थाट के अलंकारों को सीखने जा रहे हैं और सिखा रहे हैं आपको हमेशा की तरह उमेश जी चौबीसा। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं उमेश जी के पास। सुर लगा रहे हैं बांसुरी पर, आपके कान में आवाज आ रही है मधुर मधुर सुर बंसी का, बजत सुना वृंदावन में। लहर लहर कर श्याम राधे का रास रचावे मधुबन में। बांसुरी के स्वर जब कान में पड़ते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी स्वयं आकर्षित होती हैं। राधा को बहुत प्रिय है ये भगवान की बांसुरी। जब कृष्ण की बांसुरी बजती है तो राधा गोपियां जहां भी हैं आकर्षित होती हैं। तो आकर्षण बांसुरी का एक बहुत बड़ा सद्गुण है कि इसमें आकर्षण की शक्ति है, इसमें खिंचाव है, लोग खींचे चले आते हैं और खास तौर से राधा जो कि लक्ष्मी का स्वरूप है। जहां बांसुरी वादन होता है वहां राधा का निवास, मां लक्ष्मी का निवास होना स्वाभाविक है। तो बांसुरी इतना महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, जो भी सीखता है, जो भी इसको कर रहा है, जो भी इसको बजा रहा है, उसके पास धन वैभव लक्ष्मी जी की कमी नहीं रहेगी। तो आइए जानते हैं पूर्वी थाट की विशेषताएं रे ध कोमल म तीव्र उमेश जी के साथ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। इस आज के एपिसोड में हम पूर्वी थाट को लेंगे और उसमें हम पलटे लगाएंगे, जो पहले लगाए पहले वाले थाटों में उसी तरीके से पूर्वी थाट में सारे पलटे लेंगे, 1 से लेकर 8 तक के सारे पलटे लेंगे। तो आइए उठाइए बांसुरी और मेरे साथ चलिए रियाज करते हैं। उमेश जी पूर्वी थाट में जैसा कि मैंने अभी कहा कि रे और ध कोमल लगता है जी। तो रे कोमल लगाने की जो टेक्निक्स हैं, ध को कोमल लगाने की टेक्निक्स हालांकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी इस एपिसोड के माध्यम से भी एक बार बता दे कि म तीव्र कैसे बजेगा, रे और ध कोमल कैसे बजेगा। मित्रों इस पूर्वी थाट के अंदर 3 स्वर पे ध्यान देना पड़ता है, ऋषभ कोमल और तीव्र मध्यम और देवत कोमल। इन तीनों को लगाने का जो है पहले भी बता चुके हैं वही तरीका रहेगा। ये इसकी पकड़ रहेगी अपने फ्लूट की, ये पकड़ है और ऋषभ का है स्लाइड करना है इसको। सा को स्लाइड करेंगे तो ऋषभ कोमल बज जाएगा। हल्का सा स्लाइड करना है सुर की फ्रिक्वेंसी के साथ, उसको मैच कराना है और ये ऋषभ बजेगा। देखिए ये स्लाइड करने का तरीका है, इस तरीके से स्लाइड करेंगे तो अपना कोमल ऋषभ बजेगा। तीव्र म के अंदर हमारे को ये पूरा खोलना है, पूरा उंगली, हाँ यहाँ से उंगली पूरी हटनी चाहिए, जरा भी इसके ऊपर रहेगी तो वो सुर उतर जाएगा। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब जैसे म लगाएंगे तो म लगाने पूरा हाथ खोलना चाहिए। देवत जो हम लगाएंगे देवत में भी स्लाइड करना है, देवत में भी हमारे को जैसे सा वाले को स्लाइड कर रहे थे वैसे ही देवत को भी हमारे को ऐसे स्लाइड करना है। ये इसका तरीका रहेगा, ये स्लाइड करेंगे तो इजी वे में हमारा देवत बजेगा। जितनी फ्रिक्वेंसी है उतना स्लाइड होगा। ये देखिए ये
विशेष बात और है कि अपन जब आरोह में जाते हैं तब स्लाइड करते हैं, लेकिन अवरोह में जब आते हैं तब डायरेक्ट लगता है, वो ऊपर से स्लाइड होके आता है। देखिएगा ये जगह बन जाएगी ऑटोमेटिक, हमारी उंगलियां वहीं पे जाएगी, जगह बनते ऑटोमेटिक हमारी उंगलियां वहीं पे जाएगी। तो ऊपर से जब आते हैं तब हमारे को थोड़ा सा सावधानी से आना है, ये अभ्यास के साथ आ जाता है, कोई ज़्यादा मुश्किलत नहीं है। आइए बांसुरी उठाइए, अपन ताल के साथ तबले के साथ रियाज करते हैं। मेरे साथ तबले पे हैं निशाद, मैं चाहूँगा एक बार हाँ उनके दर्शन हो जाए। निशाद जी के बहुत अच्छा तबला बजाते हैं हमारे भैया, आइए।
Thank you.
आप सीख रहे हैं बांसुरी संगीत प्रवाह वर्ण के साथ उमेश जी के सानिध्य में और मूल मंत्र। अंत में मूल मंत्र कि बस अभ्यास ही गुरु है। आपको अगर कोई सिखा रहा है तो वो आपका स्वयं का अभ्यास है, स्वयं के प्रयास है। अगर आप स्वयं अभ्यास नहीं करेंगे, स्वयं प्रयास नहीं करेंगे तो कोई कुछ नहीं सिखा सकता। उमेश जी जिस तरह से बांसुरी की बारीकियां आप सबके सामने समझा रहे हैं, बता रहे हैं, हर एपिसोड में आपको कुछ न कुछ एक नई बात बताते जा रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स आपको हाथ रखने का, उंगलियां रखने का, मुंह में से फूंक लगाने के जितने भी गुण हैं वो सब आपके सामने धीरे धीरे खोलते जा रहे हैं। लेकिन आपको वो तभी मिलना है जब आप स्वयं प्रयास करेंगे। जब तक स्वयं के प्रयास नहीं होंगे आपको कोई नहीं सिखा सकता। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए संगीत प्रवाह वर्ल्ड के साथ और उमेश जी के बांसुरी लेसन्स के साथ। इसी तरह से बराबर हम आपके लिए एपिसोड्स देते रहेंगे और आप लोग इसी तरह से सीखते रहेंगे। जय हो, जय हो, जय हो।